यार जब हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं या फिर डीएसएस पढ़ रहे होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, एंड कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से हम अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हम 3 महीने में 4 महीने में डीएसए तो कंप्लीट कर लेंगे, बट 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक करते हैं, फिर कुछ किसी की शादी आ जाती है, किसी का फंक्शन आ जाता है, दोस्त का बर्थडे आ जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है, और फिर हमारा फ्लो टूट जाता है, फिर 1 हफ्ता फिर आलस करते हैं और फिर बैक टू स्क्वायर वन। तो इसके लिए काफी अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तुम्हारा जो बेस्ट रिसोर्स है, फ्री रिसोर्स है टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यार एक दिक्कत और होती है हमें कि हमने कर लिया क्वेश्चन, 2 महीने पहले क्वेश्चन किया था, एंड उसके बाद फिर उसको रिविजिट करते हैं कुछ टाइम बाद, तो यार वो याद ही नहीं रहता। ऐसा लगता है कि भाई ये किया तो था, ये कुछ कुछ देखा देखा सा तो लग रहा है, बट याद ही नहीं आ रहा। और हमें पता नहीं होता यार कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कंपनी वाइज क्वेश्चंस करने हैं, कंपनी वाइज नहीं करने होते, टॉपिक वाइज करने हैं, टॉपिक वाइज नहीं करने होते। तो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है तो, एंड बिना किसी देरी के अब स्टार्ट कर देते अपनी वीडियो को। अब यार तुमने एक वीडियो शायद देखी होगी, 90 डेज डीएसए रोड मैप, उसमें मैंने बताया था कि 90 डेज में तुम कैसे अपना डीएसए पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब उसको एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं ताकि तुम्हारी कंसिस्टेंसी वाली चीज में हेल्प हो जाए। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, बेस्ट फ्री रिसोर्स टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब यार ये वाला रोड मैप तुमने, मेरे को पता है मोस्टली लोगों ने देखा हुआ होगा, इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। मैं एक बार तुम्हें बस ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी यूज कैसे करना था ये वो पूरी वीडियो है, आई बटन में आ रही होगी, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बट एक बार ऊपर ऊपर से तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है ताकि थोड़ा तुम्हें आइडिया लग जाए एंड फिर तुम अपना काम वगैरह स्टार्ट करो। तो पहले 1-2 दिन में तुम्हें क्या करना होगा यार, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सीख सकते हो। उसके बाद 3 to 10 डेज में रिकर्जन बैक ट्रैकिंग आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज कंप्लीट करके उसके बाद तुम अपने कॉन्टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सजेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम उस वाले प्लेटफॉर्म के साथ हम डिस्कस करने वाले, रिसोर्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद यार तुम देख सकते हो सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैश मैप्स, ट्रीज, हीप्स, स्लाइडिंग विंडो, ग्राफ्स, डीपी, ये सारा डिवाइडेड है ताकि तुम्हें इजी रहे कि यार अब क्या चीज स्टार्ट करनी है, इसके बाद कौन सी चीज करनी है, एंड तुम इसको फॉलो करके अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स वगैरह काफी अच्छे से पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं भाई गीक्स फॉर गीक्स पे। अब गीक्स फॉर गीक्स का नाम यार सबने सुना हुआ होता है, जब हम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आते हैं तो हम पूछते हैं यार कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो कोई भी सीनियर हो कोई भी होगा सबसे पहले यही बोलेगा गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ लो। एंड कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जब भी हमें कोई डाउट आता है एंड हमें समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे देखना क्या देखना, तो मैं तो पर्सनली यही करता हूँ उस क्वेश्चन को लिखता हूँ, जीएफजी लिखता हूँ, कोई ना कोई आर्टिकल आ जाता है, उस आर्टिकल को पढ़ के चीजें सारी सॉर्ट हो जाती हैं। अब यार जैसे तुम्हें कोई भी टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मैंने वहाँ पे 90 डेज वाले रोड मैप पे दे रखे, तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स पे जा सकते हो एंड उसके बाद वो पर्टिकुलर तुम टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हो। एंड जब तुम्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रैक्टिस करने, तुम क्या करोगे, लिखोगे प्रैक्टिस गीक्स फॉर गीक्स, एंड यहाँ पे प्रैक्टिस डॉट गीक्स फॉर गीक्स डॉट ओ आर जी तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है सारे क्वेश्चंस वगैरह एग्रीगेटेड होते हैं, काफी सारी और चीजें भी हैं यहाँ पे, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी। तो तुम्हें जैसे अब लिंक्ड लिस्ट तुमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने 90 डेज रोड मैप पे जाके हम आ गए हैं अपने 11 से 30 डेज में, एंड एरेज वगैरह खत्म करके लिंक्ड लिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिंक्ड लिस्ट वाले डेटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो जो बहुत ज्यादा पूछा गया होता है एंड कौन से लेवल का इजी, मीडियम, हार्ड है, क्या है, तो वो सारी चीजें तुम यहाँ पे आराम से कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, एक रेशियो मेंटेन करके रखना है 2-5 और 3। अब 2-5-3 का क्या मतलब है, 2 इजी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, 5 तो मैं हमेशा मीडियम क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि मीडियम क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं, और उसके बाद 3 हार्ड क्वेश्चंस ट्राई करने हैं उस टॉपिक के, मतलब मिनिमम हर टॉपिक के लिए इतना तो तुम्हें करना ही है, ये रेशियो है। अगर जैसे तुम्हें 100 क्वेश्चंस करने हैं किसी टॉपिक के तो ऐसे 20, 50 एंड 30 कर रहे होगे, अगर तुम्हें 20 क्वेश्चंस करने हैं तो ऐसे इसी रेशियो में तुम वो क्वेश्चन सारे कर रहे होगे, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अब इसके अलावा यार यहाँ पे तुम्हें पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए प्रैक्टिस करनी है, जैसे अमेजोन है, अगर अमेजोन के लिए प्रैक्टिस करनी है एंड तुम जा रहे हो तो तुम क्या कर सकते हो, अमेजोन का फिल्टर लगाया और अमेजोन में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक के उन सबका तुम्हें क्वेश्चन बैंक टाइप का मिल जाएगा, तुम जाके ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि तुम्हारी एटलीस्ट एक बार तक प्रैक्टिस वगैरह हो जाए एंड तुम्हें चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जो नेक्स्ट चीज हमारी आ जाती है, जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से कह रहा था कि यार हमें कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती, चलो 90 डेज कंप्लीट हो गए, तुमने डीएसए अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद क्या, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती तुम्हें कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, नहीं तो तुम कॉन्सेप्ट्स वगैरह भूलने लग जाते हो, जो तो हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था ना कि हम चीजें भूलने लगते हैं।
तो यार यहाँ पे एक POTD करके चीज होती है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द डे। अब ये GFT ने काफी रिसेंटली लॉन्च की ये वाली चीज। अब यहाँ पे तुम्हें रोज एक प्रॉब्लम मिल रही होगी, अगर तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो तुम्हें कुछ गीक बिट्स मिल रही होंगी, एंड उन गीक बिट्स को लाइक तुम रिडीम कर सकते हो अमेजोन वाउचर्स वगैरह, कोर्सेज वगैरह, टी शर्ट्स, गुडीज, काफी सारी चीजों में। तो जैसे तुम यहाँ पे देखोगे ये नॉमन क्लेचर है, तुम्हारा सॉल्व अ प्रॉब्लम टू अर्न 1 गीक बिट, इफ यू सक्सेसफुली सॉल्व प्रॉब्लम फॉर 8 कॉन्जिक्यूटिव डेज यू विल गेट 8 एडिशनल गीक बिट्स एंड यू मस्ट हैव 50 मतलब मिनिमम टू गेट प्राइजेज एंड ऑल। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या क्या चीजें तुम्हें मिल सकती हैं। बाकी जाना है तुम्हें, जैसे ये आज का है फाइंड लेंथ ऑफ लूप, हम इसको सॉल्व प्रॉब्लम पे जाएंगे एंड ये तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यार अब जो GFG का UI है ना, प्रैक्टिस पोर्टल का, प्लस जो तुम्हारे टेस्ट केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। आई रिमेम्बर जब मैं 2-3 साल पहले इंटर्नशिप के टाइम प्रैक्टिस करता था ना, तो कई बार एन क्यूब वाला सॉल्यूशन भी पास हो जाता था, अब ऐसा नहीं होता है। तो ये काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है, काफी अच्छी चीज है। एंड अब यहाँ पे क्या होता है यार, तुम कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे तुम्हारी ये POTD वाली प्रॉब्लम ही है, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, समझाएंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह मिलेंगे, तुम्हें यहाँ पे कोड करना है, उसको सबमिट करके तुम कंपाइल वगैरह करोगे। इसके अलावा तुम्हारा एक एडिटोरियल होता है, ठीक है। अब एडिटोरियल में अगर तुम चले जाओगे तुम्हें वो तुम्हारा गीक बिट नहीं मिलेगा, बट अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तुम एडिटोरियल में जा सकते हो एंड एडिटोरियल में पढ़ सकते हो कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो इसकी तुम्हें सारी अप्रोचेस मिल जाएंगी A to Z की, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सब में तुम्हें अप्रोचेस वगैरह मिल जाती हैं, एंड कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिल जाती है। तो तुम यहाँ से काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे सबमिशंस आ जाते हैं यहाँ पे कि तुमने इससे पहले क्वेश्चन कब सॉल्व किया था, कितना तुम्हें टाइम लगा था, एंड तुम्हारे सारे टेस्ट केसेस पास हुए थे नहीं हुए थे, एंड तुमने क्या कोड यूज किया था। अब वो अगर तुम भूल जाते हो तुमने क्या कोड किया था, तो ये एक अच्छा तरीका है, साथ साथ इसी प्रॉब्लम पे कमेंट्स डाल दो, ठीक है। मैं तो गिटहब रिपोजिटरी बना लेता था साथ में कमेंट्स डाल के, एंड गिटहब पे उस कोड को ही अपलोड कर दिया, ताकि बाद में अगर रिविजिट करना हो कि यार ये चीज कैसे सॉल्व करी थी, उस टाइम तो आ गया ध्यान में बट अब समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो जाके इसको आराम से देख लिया। अब गीक्स और गीक्स यार काफी सारे इवेंट्स वगैरह भी कराने लग गए हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारी सीरीज हैं काफी सारी, जैसे इंटरव्यू सीरीज है, जॉबथॉन है, प्रॉब्लम ऑफ द डे, इन सब के बारे में भी बताता हूँ तुम्हें। इसके अलावा तुम्हारे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं बहुत सारे, हायरिंग कॉन्टेस्ट भी होते हैं, हायरिंग चैलेंजेस भी होते हैं। जो जॉबथॉन है वो तुम्हारा लाइक जॉब के लिए होता है, अब बताते हैं आगे। वेबिनार्स होते रहते हैं काफी सारे, एंड वर्कशॉप्स होती रहती हैं, तो तुम इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मोस्टली सारी ये फ्री होती हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें पैसे नहीं देने होते। अब जो तुम्हारी सीरीज है वो क्या क्या है पहले बता दे। अब इंटरव्यू सीरीज में क्या होता है, तुम्हारे 3 क्वेश्चन का टेस्ट होता है 90 मिनट्स का, ठीक है। ये तुम्हारा हर संडे होता है 7 PM IST, एंड जो इसके सॉल्यूशन होते हैं वो यूट्यूब पे होते हैं, GFG का जो यूट्यूब चैनल है उस पर वो बाद में डिस्कस हो रहे होते हैं, तो तुम वहाँ पे जाके अगर तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो जाके देख सकते हो, वो लोग तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। एंड ये कॉन्टेस्ट देने से क्या फायदा होता है यार, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि कॉन्टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई एक क्रिकेटर है, ठीक है, भाई उसने बहुत ज्यादा नेट प्रैक्टिस तो कर ली बट अभी तक तो उसने मेन मैच में तो खेला ही नहीं है। अब नेट प्रैक्टिस करके तुम्हें इतना आइडिया नहीं होगा कि लाइक एक्चुअली गेम में जब प्रेशर होता है, इतने सारे क्राउड होता है, इतने सारे लोग होते हैं, काफी सारी चीजें होती है, टाइम होता है, बॉल्स होती हैं, और उसमें तुम परफॉर्म कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सिमिलरली जब तुम एक कॉन्टेस्ट में बैठे हुए होते हो या फिर एक रियल इंटरव्यू में बैठे हुए होते हो, तो तुम्हें वो प्रेशर फील हो रहा होता है कि यार टाइम भी खत्म होने वाला है, तुम्हें यहाँ पे लिस्ट दिख रही है कि इन लोगों ने ये वाले क्वेश्चन कर दिए हैं, तो वो वाला जो रियल वर्ल्ड सिनारियो जो तुम्हारा क्रिएट होता है ना, वो कॉन्टेस्ट से होता है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तुम एक डिसेंट लेवल पे पहुंच जाओ तो तुम्हें कॉन्टेस्ट देना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुम ये सीरीज वाली चीज बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा यार जॉबथॉन होता है। अब जॉबथॉन में क्या होता है यार, तुम्हारे ये प्रॉपर कॉन्टेस्ट टाइप ही होते हैं, एंड काफी सारी कंपनीज मिलके एक लाइक कॉन्टेस्ट कंडक्ट कराते हैं हम GFG, एंड जो इसमें टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको फिर वो इंटरव्यू कॉल्स के देते हैं, एंड फिर तुम मतलब जॉब वगैरह क्रैक कर सकते हो। ये भी काफी सही है, तुम देख सकते हो 18 क्वेश्चन है, 175 मार्क्स एंड 150 मिनट्स। तो मंथली हायरिंग चैलेंज होता है, हर मंथ हो रहा होता है, तो इसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर तुम मतलब पार्टिसिपेट करके तुम्हारी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी एंड ऑफर भी मिल जाएगा, तो बढ़िया ही है। बाकी इन्होंने अभी 2-3 चीजें और स्टार्ट करी, जैसे बाय विजिट स्कूल कॉन्टेस्ट है स्कूल वाले किड्स के लिए, अगर कोई स्कूल का बच्चा देख रहा है तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। एंड एम गेट, जैसे अब गेट एग्जाम होता है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तुम उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। इसके अलावा गीक्स फॉर गीक्स के काफी सारे पेड कोर्सेज भी होते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं फ्री वाली चीजों से नहीं हो रहा है, गीक्स फॉर गीक्स के आर्टिकल्स पढ़ के नहीं हो पा रहा है, मेरे से फ्री वाली जो वीडियोज है इतनी सारी उनसे नहीं हो रहा है, तो तुम ये भी ट्राई कर सकते हो, मतलब सही होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। तो इसके लिए तुम कोड यूज कर सकते हो निशांत, एंड
तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। और लास्ट चीज बचती है तुम्हारी, यार तुमने प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया काफी अच्छे से, एंड तुम्हें चाहिए तो जॉब ना फाइनली, तो जॉब के लिए भी इन्होंने जॉब पोर्टल अपना बना दिया, गेट हायर्ड करके है यहाँ पे, तुम देख सकते हो। तुम्हें जाके मतलब बस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तुम्हें इंटरव्यू कॉल्स वगैरह आएंगे, तुम्हें इंटरव्यू देना है, फिर तुम्हें जॉब मिल जाएगी। सो दिस इज द होल सिनेरियो, दिस इज द होल थिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, सारे लिंक्स वगैरह तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तुम चेकआउट कर सकते हो जाके, एंड प्रैक्टिस करना भाई शुरू कर दो बिल्कुल आज। और अगर तुमने 90 डेज रोड मैप वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, इतने आज वाली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।